बांसवाड़ा को 100 झीलों का शहर बोलते हैं। तो इन्हीं हरे भरे सुंदर हरियाली घुमावदार रास्तों से होते हुए आज की पहली डेस्टिनेशन पर मैं आ गया हूं और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है चाचा कोटा। और यहां तक आने के लिए मैंने ऑटो हायर किया था बांसवाड़ा से, जहां मेन बस स्टैंड है बांसवाड़ा का, वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ये जगह है, लेकिन यहाँ पर आना वर्थ है भाई साहब। इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली है यहाँ पर कि आपकी आंखें हरी हो जाएंगी। उसके बाद ये झील देखो, क्या बहुत ज़बरदस्त, बहुत दूर दूर तक ये झील फैली हुई है। आप ये देखो भाई साहब, डेजर्ट, जो राजस्थान को डेजर्ट बोलते हैं ना, उन लोगों को बताओ। देखिए दोस्तों, तो अभी मैं आपको ये जगह एक बार फटाफट दिखा देता हूँ। और ये इतनी सुंदर जगह है कि मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप अगर ये सोच रहे थे कि बांसवाड़ा या राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान होगा, उन लोगों को बता दो कि यहाँ रेगिस्तान का रह भी नहीं दिखेगा आपको। देखो कहीं भी रेगिस्तान नहीं है, आप ग्रीनरी देख लीजिए भाई साहब, इतनी शानदार ग्रीनरी। और इतने अच्छे अच्छे छोटे मोटे पहाड़ी, ऐसे ना ऐसे ऐसे घुमावदार छोटी छोटी पहाड़ियाँ, क्या शानदार जगह है भाई। ये मैंने भी एक्चुअली सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर जगह मिलेगी। और ये इसका दूसरे साइड का व्यू देख लीजिए आप, मैंने पीछे की साइड में जो दिखाया उधर पानी वानी था, झील थी। और ये देखो भाई, आप इस जगह को देख के बता नहीं सकते कि ये गोवा है कि एमपी है कि राजस्थान है। आप ये व्यू देखो भाई, वो रास्ता नीचे से जा रहा है, सामने छोटे छोटे एक दो घर बने हुए हैं, और क्या शानदार जगह है। बीच में देखो एक दो झोंपड़ी वगैरह है। और ये देख लो भाई, ठीक है, ये झील इधर आके इस साइड में ख़त्म हो रही है, इसके दूसरे साइड में बहुत लंबी चौड़ी झील है। ये देखो पूरी ज़बरदस्त वैली है और ऐसे बहुत नज़ारे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको देखने के लिए आप स्पेशल आए हैं बांसवाड़ा से, पूरे यहाँ से 15 किलोमीटर तक ऐसे ही नज़ारे हैं। आगे तक ये रास्ता ऐसा ही है, ये मेरा ऑटो है। देखो भाई, राजस्थान में नदी नाले झील वो झरने भी देखो, ये पूरा भर के चलता है। और देखो ये आगे ना झरने का रूप लेगा, यानी कि मैं थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा हमको सावधानी से चलना है भाई, फिसल भी सकते हैं। और हम वहाँ से भी आ सकते थे, जो सामने आपको दिख रहा होगा उधर गाड़ी खड़ी है सामने रोड पे, और हम वहाँ से आ सकते थे। ये सब पानी यहाँ से इकट्ठा होके और एक झरने के रूप में आगे गिरता है। तो ये बहुत शानदार जगह है। तो राजस्थान में जंगल के बाद मैंने आज आपको अभी झरना भी दिखा दिया है। पहले तो आप मौसम देख लो, ठीक है, मानसून में बांसवाड़ा का मौसम देख लो आप, ये गोवा है, कश्मीर है, केरल है, खुद समझ लो ये क्या है, ठीक है। और अब हम जाएंगे वहाँ, ये सामने माही डैम है, इसके ये 16 गेट हैं यहाँ पर जो सामने दिख रहे हैं, ये अभी बंद किए हुए हैं, जब खोलेंगे तो यहाँ पूरा पानी आता है। और यहाँ तक ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ तक पूरा पानी पानी हो जाता है। तो बारिश में ये फुल भर के चलता है, अभी गेट बंद किए हुए हैं। हम वहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से ऊपर जाएंगे और बांध के उस साइड जो भी झील है, पानी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम आप देख लो भाई, मौसम शानदार। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप राजस्थान को रेगिस्तान बोलना और समझना बंद कर देना। रेगिस्तान है नो डाउट, बट सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, राजस्थान बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा। और राजस्थान की टैगलाइन क्या है, जाने कब क्या दिख जाए। और ये आ गया हूँ मैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ यहाँ से पहली झलक। बहुत कम पानी है, काफ़ी कम है, नीचे तक है, लेकिन बहुत दूर तक फैला हुआ भाई, बहुत दूर तक समुद्र टाइप की फीलिंग आ रही है।
क्योंकि दूर तक जहाँ तक आप देख रहे हो ना पानी पानी है। देखो बहुत दूर तक पानी है यार। राजस्थान में इतनी बड़ी झील, समुद्र, इसको झील नहीं बोलना चाहिए भाई, इतना पानी, बहुत गजब यार, बहुत गजब चीज़ है भाई। और मौसम तो हो ही रहा अच्छा। ये कितना अच्छा वॉकवे बना हुआ है, इस पे आप कितनी ही दूर तक वॉक कर सकते हो। मुझे इसका एरिया नहीं पता भाई कितना लंबा चौड़ा है ये। मौसम जो हो रहा है बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, इस मौसम की वजह से यहाँ पर जो घूम पा रहा हूँ मैं उसको जो एंजॉय करना है या उसका जो मज़ा है वो दुगना हो चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल धूप नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये पानी फिर वहाँ से निकल के जो मैंने आपको नीचे से गेट दिखाए थे इधर निकलता है, और इधर से वो सामने देखो एक नदी नाला जो भी है उसके थ्रू आगे चला जाता है सिटी में। तो ये थी दोस्तों बांसवाड़ा की वीडियो। आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। आपको मैं बता दूं इसके अतिरिक्त भी बांसवाड़ा में दो तीन बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसमें से एक है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जो 52 शक्तिपीठ है माता के, उनमें से एक माना जाता है उस मंदिर को। और अगर आप बांसवाड़ा आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। यहाँ के लिए कम से कम आपको दो पूरे दिन चाहिए। और बांसवाड़ा में रुकने, रहने, खाने के ठिकानों की कोई कमी नहीं है। बजट होटल, अच्छे होटल, प्रीमियम होटल, सब तरह की होटल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे खाने पीने की जगह हैं। घूमने के लिए यहाँ पर आप ऑटो हायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपना साधन हो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पर भी आप जब घूमने जाओगे तो कहीं पर भी टिकट वगैरह नहीं है। बहुत सेफ़ और सुरक्षित जो है यहाँ का माहौल है, ये एरिया बहुत सुरक्षित है, आदिवासी लोगों का एरिया है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से बांसवाड़ा को 10 में से 10 नंबर। और आप ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं जल्दी ही दूसरी किसी एक और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी जगह पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ़।